मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास में कृषि औजारों और गेड़ी की पूजा कर पारंपरिक रूप से हरेली त्योहार मनाया। उन्होंने पूजा अर्चना कर अच्छी फसल और किसानों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। उन्होंने हरेली के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री साव ने अपने निवास पर आयोजित हरेली कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य किया। उन्होंने इस दौरान गेड़ी का भी आनंद लिया। साव ने हरेली पर्व पर प्रदेश को हरा भरा बनाने और धरती माँ के श्रृंगार के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी माँ के सम्मान और स्मृति के पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के साथ ही धरती की सुंदरता भी बढ़ेगी। हरेली का पावन पर्व है। छत्तीसगढ़ 30 त्योहारों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता परंपरा अद्वितीय है, अनुपम है और प्रकृति से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। राहुल का कैमरा मंत्र त्योहारों की शुरुआत हरेली के दिन से होती है। ये किसानों को समर्पित त्योहार है, हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। औजारों की पूजा, हल की पूजा, गौ माता की पूजा और उसके बाद घर घर में नीम के पत्ते लगाना, ये ऐसी परंपराएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है और आज हर घर हर एक किसान इस त्योहार को मनाता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को हरेली त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े ताकि हम दुनिया के सामने ये कह सके छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।